सो गाइस, जिसने भी सन क्रिप्टो ऐप में रजिस्ट्रेशन किया था, अगर से वो वाली वीडियो आपने नहीं देखा है कैसे रजिस्टर करते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को जाके देख लेना है आपको कैसे रजिस्टर करते हैं। तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया होगा उसको 100 रुपीज़ का बिटकॉइन का बोनस मिला होगा। उस बिटकॉइन के बोनस को आज हम बिल्कुल लाइव रिडीम करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सन क्रिप्टो ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभी 165 रुपये मेरी बिटकॉइन है। जब मैंने इसमें साइन अप किया था तो 100 रुपीज़ था, ये बढ़ के 165 रुपये हो चुका है। तो आज हम इसको बिल्कुल लाइव रिडीम करने वाले हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है बिटकॉइन वाले पे। बिटकॉइन पे क्लिक करने के बाद आपको सेल बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 100% अमाउंट डाल देना है। 100% डालने के बाद यहाँ पे देखते हैं 163 रुपये आ चुका है। अब आपको पे बटन पे क्लिक कर देना है। पे पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे पिन डालना होगा, तो मैं पिन डाल दे रहा हूँ पहले। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर सक्सेसफुल फिल्ड हो चुका है बिटकॉइन का। और आपको फिर से इस पर क्लिक करना है गो टू पोर्टफोलियो। गो टू पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो 163 रुपये था अब यहाँ पे देखते हैं इंडियन रुपीज़ में आ चुका है 162 रुपये। अब इस पर विड्रॉल पे क्लिक कर देना है आपको। अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अभी मैंने कोई बैंक अकाउंट ऐड किया नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो आपको बैक कर लेना है, यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको और बैक करना है। अब ये रिफ्रेश हो रहा है। अब आपको क्लिक करना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यूपीआई आईडी या बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपना यूपीआई आईडी ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब इस पे क्लिक करना है, ऐड वीपीए पे क्लिक करना है। ऐड वीपीए पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल देना है। तो मैं अपना यूपीआई आईडी यहाँ से डाल दे रहा हूँ। सो गाइस यूपीआई आईडी में ऐड नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ से बैंक अकाउंट ऐड कर ले रहा हूँ। तो मैं बैंक अकाउंट ऐड करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ऐड बैंक पे क्लिक करेंगे। ऐड बैंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नेम डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल देना है, और फिर से बैंक का नेम यहाँ पे आप टाइप कर देंगे, और यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देना है, और यहाँ से अपना अकाउंट का टाइप सिलेक्ट कर लेना है। कौन सा टाइप है आपका, करंट है कि सेविंग है? तो मेरा सेविंग है, सेविंग मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है आपको। ये सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट ऐड सक्सेसफुल हो चुका है। अब चलते हैं फिर से पोर्टफोलियो में। तो मैं यहाँ से बैक कर ले रहा हूँ। अब पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। इससे पहले आपको यहाँ पे पिन डाल देना होगा। तो मैंने पिन डाल दिया है। अब यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करना होगा आपको। अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने बैंक अकाउंट ऐड किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक आ चुका है। अब आपको यहाँ पे जितना भी आपको अमाउंट विड्रॉल करना है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो मेरे पास 162 रुपये है, तो मैं 162 रुपये यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मिनिमम 100 रुपीज़ आप विड्रॉल कर सकते हैं और चार्जेस आपको लगेगा 10 रुपीज़। तो यहाँ से मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको एम पिन डालना होगा। तो मैं यहाँ से पिन डाल दे रहा हूँ दिया। यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिन में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ओके पे क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉल मैंने 31 मई 11:54 PM पे 162 रुपये विड्रॉल किया है। अब यहाँ पे 2 दिन में अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे 0 दिखा रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखते हैं गाइज, यहाँ पे अमाउंट 0 हो चुका है। बिल्कुल लाइव दिखाया हूँ आपको रिडीम करके। जैसे ही बैलेंस क्रेडिट होगा मेरे अकाउंट में, मैं आपको कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। सो गाइज वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।